इंडिया के अंदर SUV सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्पिटेटिव हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं पूरे भारत के अंदर सितंबर में बिकने वाली टॉप 5 बेस्ट सेलिंग SUV के बारे में। तो इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आई है जीप की कंपास, जिसकी सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर 1311 यूनिट्स बिकी हैं। और अगर वहीं बात कर लें हम अगस्त के महीने की, तो अगस्त के महीने में इस गाड़ी की 1173 यूनिट्स बिकी थी। वैसे तो कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, लेकिन 138 कार्स की बिक्री ज़्यादा हुई है अगस्त के महीने के मुकाबले सितंबर के महीने में। और चौथे नंबर पर आई है टाटा सफारी, जिसकी सितंबर के महीने में 1500 यूनिट्स बिकी हैं, लेकिन अगर अगस्त के महीने की बात करें तो इस गाड़ी की पूरे भारत के अंदर अगस्त के महीने में 1762 यूनिट्स बिकी थी, लेकिन सितंबर के महीने में टाटा सफारी की सेल से वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। वैसे तो ये कार टाटा कंपनी की सबसे ज़्यादा बेहतर SUV है, लेकिन XUV700 के लॉन्च होने के बाद इसकी सेल्स पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि हुंडई की अल्कज़ार के लॉन्च होने के बाद भी टाटा सफारी की सेल्स पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और अगर अब हुंडई अल्कज़ार की बात कर ही लिए, तो तीसरे नंबर पर आई है हुंडई की अल्कज़ार, जिसकी सितंबर के महीने में 1929 यूनिट्स बिकी थी। अगर आप बात कर लें अगस्त के महीने की, तो हुंडई अल्कज़ार की अगस्त के महीने में 3468 यूनिट्स बिकी थी, लेकिन सितंबर के महीने में इस हुंडई अल्कज़ार की यूनिट्स कम सेल हुई हैं। और दूसरे नंबर पर आई है MG की हेक्टर, जिसकी पूरे भारत के अंदर सितंबर के महीने में 2722 यूनिट्स बिकी थी। अगर अगस्त के महीने की बात कर लें, तो अगस्त के महीने में MG हेक्टर की जो सेल्स हुई थी वो हुई थी 3276 यूनिट्स की। अगस्त के महीने के मुकाबले सितंबर के महीने में MG हेक्टर की जो सेल्स है वो 554 यूनिट्स कम सेल हुई हैं सितंबर के महीने में। और अब बात करें फर्स्ट नंबर पर आने वाली SUV के बारे में, तो वो है टाटा हैरियर, जिसकी सितंबर के महीने में 2821 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं बात कर लें अगस्त के महीने की, तो इस टाटा हैरियर की जो सेल्स थी वो अगस्त के महीने में 2743 यूनिट्स की सेल हुई थी। वैसे तो ज़्यादा नहीं, लेकिन सितंबर के महीने में 78 यूनिट्स ज़्यादा बिकी हैं अगस्त के महीने के मुकाबले। वैसे तो हैरियर एक प्रीमियम सेगमेंट की कार है, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगती है और जिसकी रोड प्रेजेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इस गाड़ी का XZ+ वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल होता है इस टाटा हैरियर का XZ+ वेरिएंट। वैसे तो जीप कंपास और टाटा हैरियर, इन दोनों ही SUV की सेल अगस्त के महीने के मुकाबले सितंबर के महीने में ज़्यादा हुई है, क्योंकि जीप कंपास की सेल है वो अगस्त के महीने के मुकाबले सितंबर के महीने में 11.76% ज़्यादा हुई है, और टाटा हैरियर की जो सेल है वो अगस्त के महीने के मुकाबले सितंबर के महीने में 2.84% ज़्यादा सेल हुई है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।